भारत के कई हिस्सों में नवरात्रि की धूम है। इस दौरान हिंदू देवी दुर्गा की विधिवत पूजा होती है, जिन्हें नारी शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन बिहार के विश्व प्रसिद्ध नालंदा जिले के एक मंदिर में नवरात्रि के दौरान महिलाओं का ही प्रवेश वर्जित रहता है। जैनियों के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पावापुरी से लगभग 3 किलोमीटर दूर घोसरावा में माँ आशापुरी का पावन धाम है। माँ आशापुरी के रूप में देवी दुर्गा की पूजा यहाँ होती है। लेकिन दुर्गा पूजा के सबसे महत्वपूर्ण अवसर यानी कि नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित रहता है। नवरात्र में इस मंदिर के अंदर महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती, उन्हें बाहर से ही प्रार्थना करनी पड़ती है। मंदिर में प्रवेश वर्जित क्यों रहता है, इस संबंध में यहाँ के पुजारी बताते हैं कि नवरात्रि के दौरान मंदिर में तांत्रिक पद्धति से पूजा होती है और इस पूजा पद्धति में महिलाओं का प्रवेश वर्जित माना जाता है। यहाँ प्रतिपदा से लेकर 10 दिनों तक विजयादशमी के आरती के पहले तक मंदिर में पूर्ण रूप से प्रवेश वर्जित रहता है, क्योंकि यह इलाका पूर्व से ही तांत्रिक का गढ़ माना गया है। इसलिए कि यहाँ तंत्र यान पूजा होता है, यहाँ जो भी तांत्रिक पद्धति से पूजा होता है उस पूजा में औरतों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। बौद्ध काल से ही या पूर्ण हमारे वैदिक काल से भी औरतों का प्रवेश वर्जित है। क्या महत्व है इस मंदिर का? इस मंदिर का बहुत महत्व है, जो जिस प्रकार की मनोकामना को मांगते हैं उस प्रकार की मनोकामना पूर्ण होता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ये यूपी, बिहार, बंगाल, कुछ मद्रास, ये सब यूपी और बिहार बंगाल तो बहुत लोग आते हैं। पौराणिक प्रथा अनुसार इस मंदिर का नाम आशापुरी रखा गया, क्योंकि यहाँ बौद्ध काल में 1800 बौद्ध भिक्षु आकर अपनी मन्नत मांगते थे और उनकी मन्नतें भी पूरी होती थी। तब से लेकर आज तक यहाँ जो कोई भी भक्त नवरात्र के समय सच्चे मन से माँ आशापुरी की भक्ति करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यह प्रथा आज से नहीं बल्कि आदि अनादि काल से ही चली आ रही है। पूर्वजों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राजा घोष के द्वारा करवाया गया था, इसलिए इस गांव का नाम घोसरावा पड़ा, क्योंकि इस इलाके में आशापुरी माँ स्वयं प्रकट हुई थी और जिस स्थान पर प्रकट हुई वहीं पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। नवरात्र के समय इस घोसरावा मंदिर में बिहार के अलावे कोलकाता, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम, दिल्ली, झारखंड जैसे दूर दराज इलाकों से लोग आकर यहाँ 10 दिनों पूजा पाठ करते हैं, जिससे उनकी मन चाहा मनोकामना पूरी होती है। कारण तो नहीं, मतलब ऐसे सुनने में आया कि लोग कहते हैं कि कोई महिला जैसे कि कहने का मतलब है कि कुछ पीरियड का टाइम होता है बेवजह, और मतलब बता नहीं पाती है, जिससे कि वहाँ जो पूजा होता है वो भंग हो सकती है, ऐसा मतलब लोग कहते हैं, इसलिए महिलाओं को जाना वर्जित किया गया है। किस समय वर्जित कर महिलाओं? वही नवरात्र के समय पूरा। बता दें कि मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर अब धीरे धीरे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लोग तर्क देने लगे हैं कि जब वैष्णो देवी, कामाख्या मंदिर जैसे प्रसिद्ध मंदिरों में महिलाओं पर प्रतिबंध नहीं है तो यहाँ क्यों? हालांकि ग्रामीणों में एक डर बैठा है कि अगर परंपरा को बदलने का प्रयास किया गया तो पूरे गांव पर विपत्ति टूट पड़ेगी। लेकिन गांव में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि किसी ने पहल की हो और फिर कोई अनहोनी हुई हो। दूसरी ओर ये परंपरा टूटे, इसमें वैचारिक जड़ता भी एक बाधा दिखाई देती है। संस्कृति का हवाला देते हुए इस परंपरा का महिलाएं और युवा समर्थन करते हैं। बता दें कि महिलाओं पर प्रतिबंध कानूनी रूप से भी गलत है, लेकिन वह परंपरा के आगे कानून भी खुद को असहाय मानता हुआ दिखता है।